नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस और मैं हूं आप सभी के साथ गुंजन दीक्षित। लेते हैं 10 मिनट में 50 बड़ी खबरें। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी, कालागढ़ के कॉबर्ट पार्क में कुछ वक्त बिताएंगे। पीएम रुद्रपुर में जनसभा करके कई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रियंका गांधी के 4 दिवसीय लखनऊ दौरे का आखिरी दिन आज शाम 4 बजे प्रियंका गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, लोकसभा क्षेत्रवार पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में आज सुनाएगी फैसला, सर्विसेज एंटी करप्शन ब्रांच पर गतिरोध हो सकता है दूर। गृहमंत्री राजनाथ सिंह के 2 दिवसीय लखनऊ दौरे का दूसरा दिन आज नजफवाया दिल्ली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर हवाई सेवा का शुभारंभ करेंगे। शाम 4:20 अमौसी एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। संसद में मुलायम सिंह यादव के दिए बयान पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा उत्साहित, लखनऊ में लगाई सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की धन्यवाद होली। कुशीनगर में जहरीली शराब से 11 मौतों का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, आरजेडी नेता हरेंद्र यादव को पुलिस ने राजस्थान के भीलवाड़ा से गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जहरीली शराब से हुई 100 से अधिक मौतों के मामले में मृतक के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान हुआ, लेकिन बीजेपी के देववंद नगर अध्यक्ष गजराज राणा ने इस मुआवजे का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों को मुआवजा नहीं देना चाहिए। दिल्ली के नारायणा में फैक्ट्री में लगी आग, आर्चीज फैक्ट्री में भीषण आग लगी, आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया, फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। सीतापुर में एक युवक को बदमाश ने खाना खाते समय ढाबे पर गोली मार दी, युवक की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमलावर मौके से फरार नहीं हुआ और गोली मारने के बाद ढाबे पर ही बैठा रहा। राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज थाना इलाके में पति ने अपनी पत्नी को कैंपल रोड पर सरेराह गोली मार दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल महिला को भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि शादी के बाद दोनों में आए दिन लड़ाई होती रहती थी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। कन्नौज के छिबरामऊ इलाके में पूर्व विधायक के भाई पर पड़ोस में रहने वाले युवक ने चाकुओं से हमला कर दिया, पूर्व विधायक का भाई जब तक कुछ समझ पाता युवक ने उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। मऊ के 2,55,000 किसानों को चुनावी तोहफा देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए सर्वे शुरू किया जा रहा है, इसके लिए टीम गठित कर दी गई है। पीएम आवास में अनियमितता की शिकायत पड़ी महंगी, ग्राम विकास अधिकारी ने शिकायतकर्ता की पिटाई कर दी। अधिकारी हरि नारायण सिंह ने पीड़ित युवक को पीटा, सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। छपिया थाना इलाके के रानीजोत इलाके की घटना। मामूली विवाद के बाद दो पक्षों में मारपीट, दोनों पक्षों में जमकर चले लात घूसे, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मारपीट का वीडियो, बड़ौत थाना इलाके में हुई मारपीट। सहारनपुर में गायब बेटी की तलाश के लिए दंपत्ति का प्रदर्शन, पीड़ित दंपत्ति ने पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट परिसर में बनी पानी की टंकी पर चढ़े पति पत्नी बेटी की बरामदगी और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग, डीएम से शिकायत के बाद भी नहीं सुनी गुहार। चित्रकूट के नयागांव थाना क्षेत्र में स्कूल बस से बाइक सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर दो मासूम बच्चों को अगवा कर लिया, ये दोनों बच्चे तेल व्यापारी ब्रजेश रावत के थे। इस घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई है, घटना में कुख्यात डकैत बबली कोल गिरोह का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। बलरामपुर का जिला महिला अस्पताल भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है, दरअसल यहां आने वाले मरीजों से इलाज के नाम पर जमकर धनउगाही की जा रही है। हद तो तब हो गई जब राज्य महिला आयोग की सदस्य के औचक निरीक्षण के समय अस्पताल में मौजूद रहते हुए भी प्रसूता के ऑपरेशन के लिए धनउगाही की गई। मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र से 3 तलाक का मामला सामने आया है, दरअसल आफताब नामक युवक ने अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया, ऐसे में पीड़िता ने अपने परिजनों और बच्चों के साथ डीएम दफ्तर पहुंची, पीड़िता ने डीएम से इंसाफ की गुहार लगाई है।
लखनऊ में आग ने तांडव मचा दिया। फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। खासी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अवैध रूप से चल रहा था फर्नीचर का एक गोदाम, थाना केसरबाग इलाके के बीएन रोड का मामला। रायबरेली जिले की शहर कोतवाली पुलिस व स्वाट टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले युवकों को गिरफ्तार किया और उसके पास से ठगी के 92,000 रूपये भी बरामद किए। मेरठ में पूर्व सांसद हाजी शाहिद अखलाक के भतीजे यासर अखलाक का फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पूर्व बीएसपी सांसद शाहिद अखलाक का भतीजा ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा है। कन्नौज जिले में शिक्षा विभाग और विद्यालय प्रशासन की बड़ी लापरवाही के चलते सैकड़ों छात्र छात्राओं का साल बर्बाद हो गया। विद्यालय प्रशासन द्वारा बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में हिंदी का प्रश्न पत्र ही बदल दिया गया। जनरल हिंदी के प्रश्न पत्र की जगह साहित्यिक हिंदी का पेपर छात्रों को बांट दिया गया। गोड़ा जिले के एक परीक्षा केंद्र पर इंटरमीडिएट की परीक्षा देने पिता पुत्र एक साथ पहुंचे। हिंदी विषय की परीक्षा के लिए पिता पुत्र साथ परीक्षा केंद्र पर आए। सहारनपुर करनी सेना आंदोलन से जुड़े हुए राजपूत नेता कुणाल राणा ने अपनी फेसबुक पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें कुणाल राणा अपने परिवार की एक महिला को तमंचे से फायरिंग करना सिखा रहे हैं। लखनऊ के विकास नगर के रिंग रोड इलाके में कपड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग से सब कुछ जलकर खाक हो गया। दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। लोगों ने गोदाम से कूदकर अपनी जान बचाई। भागने के प्रयास में दो लोग मामूली रूप से घायल भी हुए हैं। बरेली में जूतों के शोरूम समेत 5 दुकानों में भीषण आग लग गई। दुकानों में रखा सामान जलकर खाक हो गया। दुकानदारों ने फायर ब्रिगेड पर देर से आने के आरोप लगाए। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह बहेड़ी के नगर पालिका की यह घटना। गाजीपुर में लोग आने वाले इलेक्शन में बड़ी संख्या में नोटा दबाने की बात कह रहे हैं। बता दें कि गाजीपुर में पट्टी से बख्शूपुर तक की सड़क बदहाल है और लोगों का कहना है कि जब से सड़क बनी है तब से आज तक सड़क किनारे नाली का निर्माण ही नहीं हो सका है। मेरठ में दो बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, साथ ही 3 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मवाना थाना क्षेत्र के फलावदा रोड की घटना। गाजीपुर के सोहवल थाना क्षेत्र के गरुआ मकसूदपुर गांव के पास ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने एनएच पर एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। रायबरेली में तेज रफ्तार टेम्पो ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। वहीं हादसे में बाइक सवार पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं पति गंभीर रूप से घायल हो गया। महराजगंज कोतवाली क्षेत्र के नवोदय चौराहे की घटना। गाजियाबाद के मोदी नगर थाना क्षेत्र के गोविंदपुरी के 12वीं क्लास के स्टूडेंट की मौत का मामला सामने आया है। स्टूडेंट काफी ज्यादा डिप्रेशन में था। बताया जा रहा है कि फीस जमा नहीं कर पाने पर स्कूल से उसका नाम काट दिया गया था। देहरादून में चल रहे विधानसभा सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। विपक्ष ने सदन में गन्ना किसानों की समस्या को लेकर जमकर हंगामा काटा। देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत का सांकेतिक उपवास। सरकार के खिलाफ उपवास पर बैठे पूर्व सीएम रावत, विधानसभा के बाहर शुरू किया सांकेतिक उपवास। हरीश रावत के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भी धरने पर बैठे। देहरादून में विपक्ष के हंगामे के खिलाफ धरने पर बैठे भाजपा विधायक, नेता प्रतिपक्ष के कक्ष के बाहर विधायक कुंवर प्रणव, संजय गुप्ता, देशराज कर्णवाल का धरना। गन्ना किसानों के सवाल लगे होने के बाद भी विपक्ष ने हंगामा किया।
भाजपा सरकार में भाजपा विधायकों के भी काम नहीं हो रहे हैं। आपको बता दें कि अपने क्षेत्र में पुल के निर्माण के लिए विधायक महेश नेगी को लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता के कमरे में धरने पर बैठना पड़ा था। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा की सरकार में ही विधायकों के काम अधिकारी नहीं करेंगे तो किसके करेंगे। श्रीनगर में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट ऑल वेदर रोड चौड़ीकरण में लापरवाही बरती जा रही है। जो क्षेत्र गहन आबादी वाले थे उन क्षेत्रों में 6 महीने पहले ही रोड चौड़ीकरण के लिए रोड के किनारे बने मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चला दिया गया, लेकिन अभी तक रोड चौड़ीकरण का काम शुरू नहीं हुआ है। पीएम मोदी के किसान सम्मान निधि योजना को लेकर किसान खासे उत्साहित नहीं है। प्रदेश भर के साथ ही ब्लॉक कोटाबाग में भी किसान सम्मान निधि किसान पेंशन को लेकर दौड़ धूप शुरू हो गई है, लेकिन अधिकांश किसान इस योजना से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। देहरादून में छात्रवृत्ति घोटाले में तेजी से कार्रवाई हो रही है। एसआईटी ने रुड़की के एक संस्थान के प्रबंधक को भी गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्यों न इस मामले की जांच सीबीआई से करा ली जाए। रुद्रपुर में 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित कार्यक्रम है, जिसको लेकर सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत लगातार तैयारियां करा रहे हैं। उत्तराखंड दौरे के दौरान पीएम मोदी रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क में घूमने के लिए आ सकते हैं, जहां वह रात्रि विश्राम भी करेंगे और ग्लोबल टाइगर फाउंडेशन की बैठक में भी वो शिरकत करेंगे। हालांकि इस खबर की कोई सरकारी पुष्टि नहीं हुई है। उद्योगपति मोहन काला को कांग्रेस में शामिल कराने का प्रकरण कांग्रेस संगठन के गले की हड्डी बन गया है। पूर्व विधायक गणेश गोदियाल के समर्थन में हरीश रावत गुट समेत तमाम विधायक और नेता शामिल हो गए हैं। हाईकोर्ट ने सरकार की नजूल नीति पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और उन्हें वहां से राहत मिली है। ऐसे में सरकार को बड़ी राहत मिली है। इसके अलावा लगभग 50,000 परिवारों को भी राहत मिली है। प्रशासन चमोली में विंटर गेम्स करवाने में सफल नहीं नजर आ रहा है। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि पर्यटन विभाग की तरफ से उन्हें बताया गया कि चमोली में किसी भी तरह की प्रतियोगिता नहीं हो पाएगी, जिसके चलते स्थानीय लोगों और पर्यटक वासियों में काफी आक्रोश है। विकासनगर में नगरपालिका के तमाम दावों के बाद भी गलियों से कूड़ा नहीं उठ पा रहा है। कूड़े की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हल्द्वानी के गोलापार और कोटाबाग क्षेत्र में टमाटर की खेती को भारी नुकसान पहुंचा है। बदलते मौसम, बरसात, ओले और पाले की वजह से किसानों के सैकड़ों हेक्टेयर टमाटर की फसल में कई प्रकार के रोग लग गए हैं। सितारगंज में गरीब जनता को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। समय पर इलाज नहीं मिलने से कुछ दिन पूर्व एक व्यक्ति की भी मौत हो चुकी है। बागेश्वर में एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना की ओर से किसान मेला आयोजित किया गया। मेले में दूर दूर से आए स्वयं सहायता समूहों ने अपने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। 2 दिवसीय किसान मेले में लोगों ने भी ग्रामीण उत्पादों की जमकर खरीदारी की। पहाड़ों की रानी मसूरी में आवारा कुत्तों से लोग परेशान हैं। शहर में आवारा कुत्तों की संख्या हर साल बढ़ती ही जा रही है। हर रोज 5 से अधिक मरीज कुत्तों के काटने से अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन आवारा कुत्तों पर रोकथाम नहीं की जा रही। टिहरी जनपद में ज्यादातर जूनियर व प्राथमिक विद्यालयों के भवनों की हालत खस्ता हाल बनी हुई है, जिसका खामियाजा स्कूलों में पढ़ रहे नौनिहालों को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि शिक्षा विभाग को 30 जूनियर व प्राथमिक विद्यालयों को बनवाने की स्वीकृति मिल गई है। मसूरी नगर पालिका परिषद शहरवासियों के लिए बहुत जल्द हेल्पलाइन नंबर जारी कर रही है। इस नंबर के जरिए पालिका क्षेत्र में रहने वाले लोग नगर पालिका से संबंधित बिजली, सफाई जैसे अन्य समस्याओं की शिकायतें पालिका में दर्ज करा सकते हैं।